देखिए क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, ए बताना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3(1-1-3) ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म जो है वो a1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये पहला ही ये a1, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये a1 होता है, ये a2 सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, a1 a2 a3 a4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, ऐसे लिख के दिखा देना। और इसके बाद अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, देखो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस ए टू में से ए वन को माइनस करेंगे, ए टू माइनस ए वन, या फिर ए थ्री माइनस ए टू, या फिर ए फोर माइनस ए थ्री, इस तरह से हम इसको डी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ए टू कितना है 1, माइनस ए वन कितना है 3। तो अब वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस की, तो माइनस का सिंबल आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि डी जो है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस 2। तो यही दो चीजें पूछी है, कॉमन डिफरेंस पूछा है और फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, ठीक है। तो ए और डी आ गया यहाँ पे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड है -5, -1, 3, 7 इस तरह से, ठीक है। तो देखो a1 यानी फर्स्ट टर्म जो है, ये तो जो है -5, जो पहला जो लिखा है वो फर्स्ट टर्म ही होता है, और d कॉमन डिफरेंस है, d कितना आएगा, देखो इसमें से आप डायरेक्ट माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, -1 में से माइनस करेंगे -5 को, तो ब्रैकेट लगा दो यहाँ, तो d इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस की वैल्यू क्या होगी, प्लस, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, ठीक है, प्लस के 4 आएंगे। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए थर्ड क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यहाँ पे a1 यानी फर्स्ट टर्म जो है 1/3 फर्स्ट टर्म में, तो सीधे सीधे इसको लिख देंगे, और d जो है वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5/3 -1/3। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम तो 3 आ ही रहा है, तो फिर जब एलसीएम सेम है तो सीधे लिख दो 5-1, तो क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4/3, तो यहाँ पे ये d आ गया। अब इसके बाद लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। देखो इसमें सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं हम, एक a1 यानी कि a1 कितना आ गया 0.6, ठीक है ना। और d इसमें फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू देखिए 1.7 में से किसको माइनस करना है हमें, 0.6 को, ठीक है, ऐसे ही फाइंड करते हैं जी। तो अब 1.7 माइनस कर देंगे, 1.7 में से 0.6 को माइनस कर रहे हैं, तो 7 में 6 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1.7 इससे बढ़े हैं तो फिर प्लस की वैल्यू रहेगी 1.1 आ जाएगा डी, ठीक है। तो ए और डी, ए वन और डी यही फाइंड करना था हमें। तो चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है।